में महेश कुलकर्णी का युवा प्रोत्साहन कार्यक्रम जिला प्रमुख विट्ठल मोरे और सुरेश कुलकर्णी ने भरा जोश। तुर्भे स्टोर के इस खेल मैदान में खड़े सैकड़ों नौजवान शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी के प्रति आभार जताने के लिए नारे लगा रहे हैं, जिन्होंने इनके लिए स्लम इलाके में मुफ्त पुलिस प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया है। युवाओं के लिए इस प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन युवा नेता महेश कुलकर्णी के नेतृत्व में किया गया था, जहां जिला प्रमुख विट्ठल मोरे, शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी एवं दिलीप जगताप ने जमकर जोश भरा और अगले चुनाव में युवाओं की उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने कहा कि तुर्भे झोपड़पट्टी क्षेत्र के युवाओं के लिए महेश कुलकर्णी ने जो विजन तैयार किया है वह सराहनीय है, इससे युवाओं का उत्थान होगा और वे अपना करियर बना सकेंगे। मला फार मोठं याचं कौतुक आहे, कारण तुर्भे स्टोर सारख्या किंवा तुर्भे भागातल्या या ठिकाणी या मैदानावर सकाळी 9:30-10 जर अशा शेकडोच्या संख्येने युवक येतात आणि या युवकांना भविष्याचं त्यांचं प्रशिक्षण, कारण आपल्याला एक अधिकार निर्माण होण्यासाठी आपल्याकडे स्वतःकडे ती क्षमता निर्माण करण्याची जी जिद्द आहे ती जिद्द प्रत्येकामध्ये दिसली आणि त्याचं नेतृत्व महेश कुलकर्णी करतायत, ह्याचं मला खूप कौतुक आहे आणि मला आनंद आहे। कारण ह्या तुर्भे MIDC मध्ये आतापर्यंत बाहेरून लोक आले, त्यांनी निनाळे शिक्षण केलेलं असेल, त्यांनी इथे नोकऱ्या मिळवल्या, परंतु आज ह्या तुर्भे स्टोरमध्ये तुर्भे भागामध्ये राहणारा तरुण हा खऱ्या अर्थाने बेरोजगार आहे। मग ह्याला याचा जर हक्क मिळवून द्यायचा असेल तर तो प्रशिक्षित झाला पाहिजे, ही भावना जी या ठिकाणी सुरेश कुलकर्णी, आमचे प्रकाश पाटील, आमचे सर्व सहकारी ह्या मंडळींच्या मनामध्ये आहे। अनेक अडचणी आल्या, कारण काय अशा ठिकाणी चांगलं होऊ नये ही बघणारी सुद्धा मंडळी आहेत, आणि त्यामुळं ह्या अडचणींवर मात करून सुरेश कुलकर्णी यांनी ह्या अशा प्रकारच्या सुविधा ह्या तरुणांसाठी निर्माण केल्या आणि ही तरुण मंडळी आज या ठिकाणी जन्माला आले, ती मोठी झाली, शिकलेली, त्यांच्यावर हा अन्याय होऊ नये म्हणून सुरेश कुलकर्णींच्या माध्यमातून हे जे नेतृत्व निर्माण झालेलं आहे ते नेतृत्व या लोकांना नक्कीच एक जगाच्या स्पर्धेमध्ये उतरवेल असा विश्वास मला आहे। मैंने 16 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ का जो नेतृत्व है वो हर कदम पे यहाँ के लोगों के साथ है, और ये जो यहाँ की जितनी भी सुविधा है, महानगर पालिका आमदार फंड हो, गवर्नमेंट का फंड हो, जो भी है यूटिलाइज करके हर चीज़ यहाँ पे यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने लाई है। और ये जब आज का जो मेलावा था उसमें भी लोगों बच्चों को सिखाने वाली बात है, जहाँ की इंटरव्यू हो, जहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात है, और उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे पढ़ाने का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो भी एक युवाओं के लिए भारी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ये भी मेरे लिए खुशी की बात है। वहीं कार्यक्रम के मार्गदर्शक शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि पहली बार नई मुंबई के किसी स्लम इलाके में भटक रहे शिक्षित और बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि महेश कुलकर्णी के नेतृत्व में इन युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी ताकि वे भी अच्छी नौकरी और रोजगार पा सकें। अच्छे से आज कार्यक्रम लिए युवा मेलावा, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी, तो आज इतना संख्या हो गए, कल अगर ये मेलावा लगेगा तो पूरा ग्राउंड भी भर जाएगा, उतनी इनके पास ताकत है। और करेंगे, आदरणीय हमारा मोरे साहब जी है, प्रकाश पाटिल है, जगताप दादा है, ये सभी के मार्गदर्शन में आगे हम लोग को अभी जैसा उत्तर भारतीय का मेला मैं लेने वाला हूँ, आदरणीय दादा से बात किया हमने, और पालक मंत्री साहब से और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से, इनसे बात करके एक बड़ा मेलावा लगाने का है। परसों में जाके मिला है आदरणीय पालक मंत्री साहब को, तो उनका कहना है कि अभी ये कोरोना का ये महामारी चालू है, अगर ये निकल जाएगा तो अपने को यहाँ पर कार्यक्रम लेके आदरणीय हमारा जिला प्रमुख के माध्यम से हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री को यहाँ पर ला के, पालक मंत्री को ला के, ये झोपड़पट्टी वासियों को जितना जल्दी हो सके उतना मकान बनेगा उसके बारे में हमारा प्रयत्न रहेगा। इस सम्मेलन के आयोजक महेश कुलकर्णी ने युवाओं की सहभागिता पर खुशी जताते हुए कहा कि झोपड़पट्टी के युवाओं को सम्मान के साथ नौकरी और रोजगार मिले इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। युवा नेता ने कहा कि हमें विश्वास है कि तुर्भे स्टोर का हर युवा इस मिशन में सफलता पाएगा और आगे बढ़ेगा। यहाँ पर जो युवा सारे जो आज इतने बड़ी संख्या में जो यहाँ पर सारे युवक आए थे, तो उनका मेन जो फोकस था तो उनका यही था कि सर हम तुर्भा स्टोर जैसे एक झोपड़पट्टी एरिया से आते हैं,
तो हमें जहाँ पर आगे जाकर हमें कहीं नौकरी वगैरह करते हैं, ऐसे नहीं है कि झोपड़पट्टी के लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। हमारे यहाँ पर झोपड़पट्टी में अच्छे से अच्छे वी हैव लाइक MBA ग्रेजुएट्स, मास्टर्स किए हुए लोग हैं, काफ़ी मतलब दुनिया के हर एक फील्ड में काम करने वाले लोग यहाँ पर, काफ़ी क्रूज़ में भी है, काफ़ी लोग काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काफ़ी अच्छे पोस्ट पे है। फिर भी यहाँ पर कभी कोई बाहर जाता है तो कोई अगर बोलता है कि ये हम तुरबा स्टोर से है, तो उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है कि बाबा ये बंदा झोपड़पट्टी से है, ये चीज़ मैं यहाँ पर बदलना चाहता हूँ। मुझे रिस्पॉन्स यहाँ से काफ़ी अच्छा मिल रहा है कि यहाँ पर भी युवा को मैं काफ़ी इच्छा है कि अगर कोई हमें रिप्रेजेंट करता है, कोई हमारे स्लम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सारे क्लासेस वगैरह सारे लेने वाले हैं। मैं अच्छे से अच्छे जितने बड़े बड़े कंपनीज़ हैं सभी के साथ बैठ कर टाइप्स करने वाला हूँ। जल्दी उनके जो CRS प्रोग्राम्स होते हैं, जो एक सोशल, अगर अपनी बड़ी कंपनी है तो हमारे आसपास में रही जितने स्लम्स वगैरह होते हैं उस बारे में काफ़ी सारे कंपनी सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी करती है। काफ़ी सारे कंपनी ऐसे भी है जो सामने से हमारे तरफ आ रहे हैं, सर हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स है, आपके बच्चों को भेजिए, हम ट्रेनिंग कराएंगे, तो सब कुछ करते हैं। तो ये सारे मैं बस उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम भी किसी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।